और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की। बैठक के बाद दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं अमित शाह। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल इस बैठक में मौजूद रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर, क्योंकि अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं और ऐसे में सीट बंटवारे पर एक तरफ मंथन हुआ और दूसरी तरफ अमित शाह ने तमाम जो नेता कार्यकर्ता उनसे कहा कि अगर किसी भी तरीके की किसी विधायक में कोई या सांसद में कोई निराशा है, कोई मन में कोई बात है, तो इसका समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि मतदाता पार्टी के साथ बने रहें। ये कहते हुए अमित शाह नजर आए। वार्ड स्तर तक कैसे कार्यकर्ता पहुंचे, कैसे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। खासतौर पर सीट बंटवारे को लेकर मंथन इस बैठक में हुआ है। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में कोई अड़चन किसी भी प्रकार की ना आए, इस पर चिंतन मंथन करने के लिए अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, लेकिन अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अधिक अपडेट लेकर। सत्यप्रकाश, अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे, बैठक हुई और खासतौर पर फोकस इस बैठक में रहा है सीट शेयरिंग पर। बिल्कुल, देखिए अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यह दूसरी दौरा हो गया, क्योंकि कल अमित शाह करीब 1 बजे के आसपास मुंबई पहुंचे थे। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुंबई, कोंकण और पालघर, थाने सहित तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश बनने का जज्बा बनाया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार बनने वाली है और 2024 में महायुति की सरकार बनने से कोई भी दल रोक नहीं सकता है। इस तरह का एक जोश भरने का काम जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। इसके बाद जो है आज सुबह करीब 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो है अमित शाह ने महायुति नेताओं के साथ बैठक की है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देर रात ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर वापस गए थे। उसके बाद जो है आज अजीत पवार, उनके साथ जो है प्रफुल्ल पटेल सहित तमाम नेता मौजूद रहे और इस बैठक में जो 2 दिन की मुंबई में मैराथन बैठक हुई थी उस पर उन्होंने निचोड़ निकाला है कि किस तरह की यह बैठक हुई है, क्या यह बैठक सार्थक रही है। जानकारी मिल रही है कि जो 2 दिवसीय बैठक हुई थी वह सार्थक बैठक हुई थी, क्योंकि अमित शाह ने जिस तरह का मंत्र दिया था उसी को दोहराते हुए कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है, इस तरह का जो है जानकारी अमित शाह ने दिया है। और माना जा रहा है कि जिस तरह का जोश जो है महायुति में भरने के साथ अमित शाह दिल्ली रवाना हुई है, माना जा रहा है कि आगामी जो बैठक होगी वह बहुत ऊर्जा से लोडेज होगी, क्योंकि महायुति के तमाम नेता जो है अब ये जान चुके हैं कि कहीं कहीं अमित शाह का यह दौरा ये बताता है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनाने के लिए जो केंद्रीय दल पूरी तरह से इकट्ठा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार केंद्रीय नेताओं का मुंबई आगमन हो रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमित शाह का 1 महीने में 3री बार दौरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होने वाला है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की जनता को जो है एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को फिर से मुंबई आएंगे और मेट्रो रेल प्रकल्प को जो हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा बेहद ही ऊर्जा से भरा हुआ दौरा माना जा रहा है। इस पर भी मंथन किया गया है कि छोटे दलों को कितनी सीटें दी जाएंगी। और दूसरी बात यह कि जब जब अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, एक बात वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में, किसी सांसद के मन में, किसी विधायक के मन में कोई मनमुटाव है या कोई बात है तो उसको आप अभी सौहार्द पूर्वक दूर कर लें। बार बार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। देखिए बिल्कुल, जब वो पुणे दौरे पे थे तब भी उन्होंने 5 मंत्र दिया था और बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को इस मंत्र को अपनाना है। पहली बात तो अगर किसी को जो है सीट शेयरिंग के दौरान सीट नहीं मिलती वो नाराज नहीं होगा। दूसरी बात, सहयोगी दल को उतना ही मदद करो जितनी अपने दल को मदद करते हो। सहयोगी दल के साथ कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। सहयोगी दल को अपना दल समझकर काम करो। बूथ लेवल पर जो सभी कार्यकर्ताओं को तैयार करो। वार्ड लेवल पर एकमत होना चाहिए सभी दल, चाहे सहयोगी दल हो चाहे अपना दल हो। तो कहीं ना कहीं यह मंत्र देने का काम एक बार फिर से अमित शाह ने मुंबई के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिया है और इसी राह पर चलने का भी उन्होंने आग्रह किया है। तमाम वरिष्ठ नेताओं को चेताया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ऊर्जा से लबरेज है, ठीक उसी तरह से जो आप अपने सहयोगी दल है उनको भी इसी तरह से अपने साथ लेकर चलना है।
किसी तरह का मनमुटाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। जो भी वाक्य अगर कोई बोल रहा है तो आपसी सामंजस्य के साथ बोलना चाहिए, मतलब दोनों दल तीनों दल जो है अलग अलग तरह के जो वक्तव्य नहीं करना चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस इस बार अमित शाह ने दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।